सफारी जू में 30 शेर मौजूद हैं, जबकि शेरों की नीलामी के लिए समरी भी तैयार कर ली गई। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा जुनैरा इलियास से। जुनैरा आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए सफारी जू की, तो उन्होंने नया इनिशिएटिव लिया है। जहाँ तक ब्रीडिंग की बात की जाए, तो पिछले साल जो है और रवा साल देखा जा सकता है कि ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी हुई है, शेरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। तकरीबन इस टाइम जो है 30 शेर जो हैं, जिनमें टाइगर, लाइन और साथ ही साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं, तकरीबन 30 जो है इस टाइम सफारी में मौजूद हैं। जो सफिशेंट स्पेस कहा जा सकता है शेरों के लिए रखी गई थी, वो उनके पिंजरे भी बिल्कुल भर चुके हैं, और उसके बाद एक एक केज में जो है 6-6, 7-7 शेर रखे गए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, सफारी जू की जानब से इनिशिएटिव लिया गया है कि इनको नीलामी की साइड पे भी लेके जा सकते हैं, और जहाँ से रेवेन्यू भी आएगा डिपार्टमेंट को। साथ ही बात के लिए सफारी को हमेशा से ये कहा जाता है, कोई ज़्यादा फंड्स उसको प्रोवाइड नहीं किए जाते, उनको ये कहते हैं कि फंड्स जो हैं वो खुद से जनरेट करें, अपना रेवेन्यू जो है वो खुद से जनरेट करें। और अगर शेरों की बात के लिए जाए, तो एक शेर की खुराक तकरीबन महीने साल की अगर एस्टिमेट लगाया जाए, तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया जो है उस पर आता है। और साथ ही साथ अगर मार्केट रेट की बात कर ली जाए, तो इस टाइम शेर के बच्चे का जो रेट है, 6 महीने के जो शेर का बच्चा है, वो तकरीबन 4 से 6 लाख के दरमियान में फॉल करता है, और इतने में ये शेर बिक सकता है। तो लिहाजा जो है इनिशिएटिव ये लिया गया सफारी जू में और उनके डायरेक्टर की जानिब से, कि इस तरह की जो नीलामियाँ हैं वो की जाएँ, जिससे रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है, और साथ ही साथ इनके जो कहा जा सकता है कि ब्रीडिंग सिस्टम भी वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स भी जो हैं उनका लाइसेंस लेके ये प्रॉपर ब्रीडिंग करवाते हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव जो है जू के लिए भी अच्छे हैं, उनके रेवेन्यू के लिए भी अच्छे हैं, और इस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और इसके भी फाइनलाइज इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीनियर अफसरान के पास इसकी समरी ज़रूर भेज दी गई, जैसे ही अप्रूवल होगी तो ये जो है शेर नीलामी की तरफ भी जाएंगे। जी ठीक है जुनैरा, बहुत शुक्रिया।